दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। दिल्ली सहित देश में कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी ने 3 साल पहले फरवरी मार्च 2020 में दस्तक दी थी। इस बार फिर मार्च गुजरते गुजरते संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। दिल्ली में 1 अप्रैल को खत्म हुए 24 घंटों में कोविड के 416 नए मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 14.37% हो गई। बीते 24 घंटों के दौरान शहर में 2,895 कोविड टेस्ट हुए। इन 24 घंटों के दौरान एक मरीज की मौत हुई। हालांकि हेल्थ बुलेटिन के अनुसार मौत का प्राथमिक कारण कोरोना नहीं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ साथ देश में वायरस संक्रमण के फैलाव की रफ्तार ने फिर एक बार चिंता बढ़ा दी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार की सुबह जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2,994 नए मामले दर्ज किए गए। नए केसों को मिलाकर देश में फिलहाल कोरोना के 16,354 मरीज हैं। वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट 2.09% और वीकली पॉजिटिविटी रेट 2.03% है। देश में पिछले 24 घंटों में 1,840 लोग ठीक हुए हैं। कुल ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 4,41,71,551 हो गई है। कुल जनसंख्या के अनुपात में सक्रिय मामले 0.04% है। ठीक होने की दर 98.77% है। कोरोना के नए मामलों का पता लगाने के लिए पिछले 24 घंटों में 1,43,364 और अब तक कुल 92.16 करोड़ टेस्ट किए गए हैं। देश में लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए पिछले 24 घंटों में वैक्सीन की 9,981 खुराक दी गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कुल 220 करोड़ 66 करोड़ टीके दिए जा चुके हैं। दूसरी तरफ स्कूलों में नए सेशन की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में पेरेंट्स के मन में अपने बच्चों को लेकर फिर से डर पैदा होना शुरू हो गया है। वो बच्चों की पढ़ाई के साथ ही उनके हेल्थ को लेकर टेंशन में है। पेरेंट्स सोच रहे हैं कि यदि कोरोना के मामले इतनी तेजी से बढ़े तो क्या फिर से ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी या स्कूलों में मास्क को फिर से अनिवार्य कराया जाएगा। वहीं दिल्ली NCR में स्कूलों में नया सेशन शुरू हो गया है, तो कुछ स्कूलों में तो नया सेशन शुरू होने वाला है। स्कूलों के फिर से खुलने पर बच्चों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की चिंताओं के बीच हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं। डॉक्टर के अनुसार मौसम बदलने के कारण बच्चों में खांसी, जुकाम और बुखार जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में सामान्य इलाज से वो जल्द ही ठीक हो जा रहे हैं। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि जो बच्चे कोविड के खिलाफ टीका लगवाने के योग्य हैं उन्हें टीका अवश्य लगवाना चाहिए। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार जिसमें मास्क लगाना, हाथ धोते रहना, सैनिटाइजर का यूज करना शामिल है, उसका पालन करना जरूरी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।